आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने घर से कभी भी एक्सीडेंट का मड़ा लगा के नहीं निकलता हूँ। देखिए, सन अभी निकल चुका है तो मैं निकल रहा हूँ दार्जिलिंग राइड के लिए अपने घर से। अभी वहाँ से जा रहा हूँ। पहले आप व्यू देखिए एक बार। व्हाट ए व्यू, व्हाट ए व्यू मैन, व्हाट ए व्यू। लुक एट द मिरर मैन, लुक एट द मिरर। अभी मैं पहुंच चुका हूँ कोदुवाड़ी मोड़, ये गाजल में पड़ता है। मैं अभी उठ रहा हूँ, रायगंज की तरफ जा रहा हूँ और मुझे कुछ राइडर दिखाई दिए जो कलकत्ता की तरफ जा रहे हैं। सॉरी, उस तरफ ही, सिलीगुड़ी की तरफ ही जा रहे हैं। नंबर कलकत्ता गया है। चलिए अभी यहाँ से सीधा रायगंज की तरफ चलते हैं। थोड़ा बहुत आपको इस ब्लॉग में म्यूज़िक सुनाई कम देगा, मेरा बकबक ही ज़्यादा सुनाई देगा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते, वेलकम टू सौरभ रंगबोस ब्लॉग अगेन। वी आर गोइंग टूवर्ड्स दार्जिलिंग। दिस इज माई बाइक, बाइक का लगेज बैग है। दिस इज गुलजार रहमान, इटहार से ज्वाइन कर रहा है विथ इज दिस इज नॉट डेजर्ट स्ट्रॉम 350। एक ही तरह का दिखता है। चलिए अभी सीधा रास्ते पे मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एनफील्ड को आप 80 से ऊपर नहीं चला सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं 100 पे आराम से क्रूज़ करता हूँ। मेरा बाइक है क्लासिक 500, तो मैं 100 पे आराम से क्रूज़ करता हूँ। मैं ज़्यादातर 100 में ही चलाता हूँ अगर रास्ता अच्छा मिले तो। ठीक है, चलिए फिर से मेरा बकबक मिलेगा आपको। मैं थोड़ा बहुत माइक में भी बात कर रहा हूँ। रायगंज पे बाकी लोगों से मिल गए हैं दीपोन, कुंडू, निर्मलदा, एज ऑलवेज भिक्टोरदा। इसको तो आप देख ही चुके हैं इटार पे। तो अभी रायगंज से निकलेंगे, यहाँ पे चाय ब्रेक, ये है पुलिक फॉरेस्ट। अभी हम रायगंज से निकल चुके हैं। एक्चुअली ये कुलिक फॉरेस्ट क्रॉस कर रहे हैं हम। तो हमने बंगाल टू बंगाल नहीं मारने का फैसला किया है। हम यहाँ से सीधा जाएंगे डालखोला, डालखोलों का रूट रास्ता पकड़ेंगे। चलिए देखते हैं जैम मिलता है कि नहीं। वैसे रास्ता तो यहाँ पे बहुत ही ख़राब है। इस जगह पे रास्ता का अभी काम चल रहा है। ये मेरा भाई आगे चला रहा है, वर्सेस 650। व्हाट ए गाड़ी मैन, व्हाट ए गाड़ी। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट जगह है, बागडोगरा का रास्ता। यहाँ पे दोनों तरफ चाय का बागान है, जैसे कि आप देख रहे हैं। व्यू बहुत ही अच्छा है यहाँ का, काफ़ी अच्छा व्यू है। देखो, वी आर इन द वे टू दार्जिलिंग। अभी पता नहीं कि बैटरी कितना देर तक चलेगा। मेरे को पता नहीं कि बैटरी कितना देर तक चलेगा, लेकिन लेट्स जस्ट सी। आई होप दैट वी विल फाइंड। Thank you.
हेलो ব্রেক ধরছো না আমি পিছনে ব্রেক বেশি মারবো না इस गाड़ी का पीछे का डिस काम नहीं कर रहा है लॉक हो रहा है ये मेरे को और लॉक हो रहा है क्लच भी गया ऐसा राइड में थोड़ा होता है भिकुरदा है थोड़ा ये मेरे को तो क्या रेंच किट ओके लेके आता हूँ चलिए व्यू तो बहुत ही बढ़िया है लेकिन व्यू दिखाने का टाइम नहीं है चलिए मिलते हैं अभी हम गाड़ी ठीक करके निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो है दार्जिलिंग चलिए अभी व्यू का थोड़ा मजा लीजिए और थोड़ा म्यूजिक सुनिए इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा पहाड़ों का रॉ साउंड और जो हमारे एनफील्ड का जो नॉर्मल साउंड है वही ज़्यादा सुनाऊंगा म्यूज़िक कम और मेरा बकबक भी थोड़ा कम मिलेगा आपको खेला 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 ये इशारा है सामने हमारे राइडर रुके हैं ये इशारा जो है हैंड सिग्नल था वो इसी का था कि हमारे राइडर सामने रुक चुके हैं हम भी यहाँ पे रुक रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ गाड़ी गियर पे ठीक ठाक नहीं रुकता है पीछे सरकता रहता है तो मैं यहाँ पे उतर के पीछे एक छोटा सा पत्थर ढूंढ के डाल दूंगा ताकि गाड़ी पीछे ना जाए सर दार्जिलिंग डाइले डाइले हाँ डाइले अरे गाड़ी का पहले ये ताना ना होता तो इसको ये कार्शियंग मार्केट है हम अभी कार्शियंग क्रॉस कर रहे हैं इसके बाद मेरा एक्शन कैमरे का बैटरी ख़त्म हो गया था